राधे जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो भक्तों, जो आज की वीडियो है, गंगा दशहरा आने वाला है। गंगा दशहरा पर पूजा कैसे करनी है घर पे? जो गंगा स्नान कर सकते हैं वो तो बहुत ही अच्छा है, मगर जो नहीं जा पाते तो वो घर में पूजा कैसे करें? तो भक्तों, गंगा दशहरा किस दिन मनाया जाता है? जो बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि होती है ना, उस दिन गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। और इस विशेष दिन पर माँ गंगा की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। और इसी दिन ना माँ गंगा जो है धरती पर प्रकट हुई थी, और गंगा नदी में पवित्र स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया, जो गंगा नदी पे स्नान पूजा कर सकते हैं वो तो बहुत ही अच्छा है, मगर बहुत से लोग नहीं जा पाते और भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है, तो वो घर पर बहुत आसान तरीके से स्नान भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। तो यही मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। सबसे पहले आपको एक बर्तन ले लेना है, पीतल की थाली ले सकते हो, परात ले सकते हो, स्टील की ले सकते हो, मिट्टी की ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। तो सबसे पहले हम गंगा जल डालेंगे, ये जो बर्तन है इसके अंदर हम डालेंगे गंगा जल। तो ये है गंगा जल, तो हमें पानी नहीं डालना, पहले गंगा जल डालना है। तो हम थोड़ा सा इसके अंदर गंगा जल डालेंगे, उसके बाद हम साफ जल डालेंगे। तो याद रहे, पहले आप गंगा जल डालें, उसके बाद ही आप जल डालें। तो मैं ये इसमें परात को अच्छे से भर लूंगी, और ये हमारा हमने भर लिया अच्छे से। और अब जो ये परात है इसको हम तिलक कर लेंगे, चंदन से, रोली से अच्छे से हम तिलक कर लेंगे। तो ये मैं रोली से और हल्दी से करूंगी, इस तरीके से बिंदी लगा दूंगी चारों तरफ। तो अभी तिलक कर दिया है मैंने। और भक्तों, अब बात कर लेते हैं गंगा दशहरा कब है। तो गंगा दशहरा है 16 जून का, उसके बाद आएगी निर्जला एकादशी। तो दसवीं तिथि वाले दिन ही गंगा दशहरा होता है, और भक्तों उस दिन हमें भी गंगा जी में स्नान करना होता है। अगर आप गंगा जी पे स्नान कर सकते हो बहुत अच्छा, नहीं तो आपको भी अपने घर में जब आप स्नान करोगे तो सबसे पहले अपने स्नान के पानी में पहले गंगा जल डालेंगे, उसके बाद आपको साफ जल डाल के स्नान करना है, और ये हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना है। आप 4 बजे से लेके 5 बजे तक आप स्नान कर लें ब्रह्म मुहूर्त में, तभी आपको ये पूजा करनी है। तो अभी हम पूजा स्टार्ट करते हैं, और हमें अपने भोले बाबा की भी विधि विधान से उस दिन पूजा करनी है। तो ये जो मैंने गंगा जल लिया है, तो इसमें हम, या तो आप, आपके पास शिवलिंग है तो आप वो रख सकते हैं, नहीं तो आप जो शिव परिवार की फोटो या मूर्ति है आप वो भी पास में रख सकते हैं। अगर शिवलिंग है तो हम गंगा जल में इस तरीके से रख देंगे। तो सबसे पहले हम भोले बाबा का अभिषेक करेंगे। तो मैंने ये कच्चा दूध ले लिया है, आप पंचामृत ले सकते हो, अलग अलग चीज ले सकते हो। तो मैंने अभी कच्चा दूध लिया है, तो अभी हम भोले बाबा का अभिषेक करेंगे, और फिर हम साफ जल से भी स्नान कराएंगे गंगा जल से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और हम गंगा जी में भी थोड़ा सा दूध चढ़ा देंगे, इस तरीके से गंगा जी की भी हम पूजा कर लेंगे। अब लूंगी मैं साफ जल, गंगा जल से हम स्नान कराएंगे भोले बाबा को, करा देंगे हम गंगा जल से स्नान भोले बाबा का। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरीके से हम बोलते रहेंगे। तो अभी स्नान हो गया है, अब लगाएंगे हम चंदन का तिलक। और याद रखें, आप हल्दी और कुमकुम ना लगाएं, भोले बाबा को आप चंदन का ही तिलक लगाएं। तो अभी मैंने चंदन का तिलक लगा दिया, और ये सर्प जी को भी लगा दिया है मैंने चंदन का तिलक। और अब हम इनको माला पहना देंगे रुद्राक्ष की, भोले बाबा को। तो ये मैंने माला पहना दिया है, अब हम फूल अर्पण कर देंगे भोले बाबा को। सफेद फूल मिल जाए आपको तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आपको जो भी फूल मिल जाए आप वो अर्पण कर दें। तो अभी मैंने ये फूल अर्पण कर दिए अपने भोले बाबा को, गुलाब का और वाइट कलर का। और अब गंगा जी में भी हम फूल
फूल अर्पण कर देंगे, गंगा जी गंगा मैया की पूजा कर लेंगे। तो आपको जो भी फूल मिल जाए आप उस फूल से पूजा करें, और हो सके तो आप 10 फूल तो जरूर से ही रखें, ज्यादा भी रख सकते हो, 10 तो आप रखें ही रखें। तो अभी हम गंगा जी की पूजा कर लेंगे, उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो अभी मैंने फूल अर्पण कर दिए हैं गंगा मैया को, और अब गंगा मैया को हम तिलक लगा देंगे। तो मैंने ये थोड़ी सी रोली ले ली है, इस तरीके से मैं गंगा जी में अर्पण कर दूंगी। थोड़े से तिल ले लूंगी, थोड़े से अक्षत ले लूंगी। तो ये मैंने तिल ले लिए, थोड़े से अब हम अक्षत ले लेंगे। गंगा मैया में थोड़े से हम अक्षत भी अर्पण कर देंगे, और अब गंगा मैया को हम सुहाग की जो सामग्री है वो अर्पण करेंगे। हो सके तो 10, उससे ज्यादा भी कर सकते हो, 10 तो आप जरूर से ही करें। तो ये मैंने सुहाग की सामग्री ले ली है, जो हम गंगा मैया को ये अर्पण कर देंगे, और ये मैं साथ में ही रख दूंगी यहाँ पर। अब भोग अर्पण कर देंगे। तो ये मैंने भोग ले लिया है भोले बाबा के लिए भी और गंगा मैया के लिए भी, तो ये मैं यहीं पे अर्पण कर दूंगी। भोग लगा दिया, भोग आप मिठाई का भी लगा सकते हो, पकवान का भी लगा सकते हो, जो मर्जी भोग लगा सकते हो आप। तो अभी मैंने आम का भोग लगा दिया है। अब हम जलाएंगे दीपक, जो कि हमें 10 दीपक जलाने हैं। 10 दीपक का दान करना है, जैसे कि मैंने बताया, या तो आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें या फिर आप शाम को करें। अंधेरे में करने होते हैं दीप दान, तो या फिर आप शाम को करें दिन छिपे। आपको लेने हैं दीपक, दीपक आप मिट्टी के ले सकते हो या फिर आटे के ले सकते हो, और दीपक पे भी आपको रोली और चंदन लगाना है, और तेल में आपको थोड़े से तिल डालने हैं। इसमें मैंने तिल डाल दिए हैं, जो 10 दीपक जलाने हैं आपको, सभी में आपको तिल डालने हैं। तो मैंने अभी 10 दीपक ले लिए हैं, तो अब हम गंगा जी पे 10 दीपक का दान करेंगे, और एक दीपक हम अंदर भी दान करेंगे। आप यहाँ पर मैं रखूंगी ये दीपक, तो ये मैंने 10 दीपक जलाए हैं और एक दीपक हम गंगा जी के अंदर रख देंगे यहाँ पर, और चारों तरफ रखने हमें गंगा जी पे दीपक लगाए जाते हैं, और एक हम दोने के अंदर दीपक बहा देते हैं। और अब कर लेंगे हम गंगा जी की कथा, जो कि आप बुक में से कर सकते हो या फिर यूट्यूब पे से भी कर सकते हो। उसके बाद हम गंगा मैया की आरती कर लेंगे। आप आरती कपूर से कर सकते हो या फिर दीपक से भी कर सकते हो। तो गंगा मैया की इस तरीके से आरती कर लेंगे, भोले बाबा की कर लेंगे, माता गोरा की कर लेंगे। तो इस तरीके से आरती कर लेंगे, और आरती अभी हम रख देंगे, और थोड़ा सा जल लेके हम आरती ठंडी कर लेंगे, और गंगा मैया को भोले बाबा को सभी को आरती दे देंगे, और हम खुद भी आरती ले लेंगे इस तरीके से। तो आप घर में सिंपल तरीके से गंगा जी की आप पूजा कर सकते हो। उस दिन हमें पानी का मटके का भी दान करना है, इसके अंदर हमें पानी डालना है। इसके अंदर चीनी भी डाल सकते हो या फिर अलग से चीनी रख सकते हो, तो मैंने इसी के अंदर चीनी डाल दी है। तो आपको इस घड़े का भी दान करना होता है, पानी का बहुत ज्यादा महत्व होता है बैसाख के महीने में। तो आप ये दान किसी जरूरतमंद को कर सकते हो या फिर मंदिर में भी कर सकते हो। तो भक्तों यही है आज की वीडियो, सिंपल तरीके से गंगा जी की आप पूजा कैसे कर सकते हो गंगा दशहरा पर। तो अभी इस वाली वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आज की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में। राधे राधे।